हेलो दोस्तों, भारत सरकार एक नई पोर्टल की शुरुआत की, जिस पोर्टल के जरिए से आपका खोया हुआ मोबाइल या चोरी हुआ मोबाइल या कहीं गुम हो गया मोबाइल, उस मोबाइल को किस प्रकार ब्लॉक करेंगे। अगर आप उस मोबाइल को ब्लॉक कर देते तो वो मोबाइल डब्बा हो जाएगा, किसी भी काम का नहीं रहेगा। और इन फ्यूचर अगर आपका वो मोबाइल मिल जाता है तो फिर से आप किस प्रकार अनब्लॉक करेंगे, यानी कि आपका जो खोया हुआ मोबाइल था, चोरी हुआ मोबाइल था, तो अगर आपको वो इन फ्यूचर में मिल जाता है तो आप किस प्रकार उस फ़ोन को फिर से अनब्लॉक कर देंगे। अगर अनब्लॉक कर लेंगे तो वो फ़ोन को आप नॉर्मली जो पहले यूज करते थे सेम उसी प्रकार का यूज कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका फोन खो जाता है या चोरी हो जाता है, उसका जो होता है कंप्लेंट किस प्रकार रजिस्टर करेंगे और उसका फोन को किस प्रकार दोबारा आप पा सकते हैं, तो सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, करके आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्त, आज का इस कमाल का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारी जानकारी। खोया हुआ मोबाइल को ब्लॉक या अनब्लॉक करने के लिए या कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल पे आ जाना है और सिंपल सा सर्च करना है, CEIR लिख करके आपको सिंपल सा सर्च कर देना। जैसे ही सर्च करेंगे सबसे पहला वाला वेबसाइट जो कि यहाँ पे www.ceir.gov.in यानी कि एक गवर्नमेंट साइट है, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर पहुँचने के बाद सिंपल सा आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद इनका जो CIR का जो ऑफिशियल साइट है वो साइट आपके सामने खुल करके आ जाएगा। देखिए, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन यानी कि CEIR, इस साइट पे आने के बाद आपको क्या करना, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक ब्लॉक लॉस्ट मोबाइल दिया हुआ है, एक अनब्लॉक फाउंड मोबाइल दिया हुआ है, एक चेक रिक्वेस्ट दिया हुआ है। इन तीनों में क्या होगा कि अगर आपका जो खोया हुआ मोबाइल है उसको आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना होगा। अगर आप खोया हुआ मोबाइल को अनब्लॉक करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पे आना है। आप जो भी कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर करने के बाद जो भी आपका कंप्लेंट जो रजिस्टर होगा उसका क्या स्टेटस, उस रजिस्टर को चेक करने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किसी भी मोबाइल को ब्लॉक या अनब्लॉक करने के लिए यहाँ पे कुछ उनका टर्म एंड कंडीशन दिया गया, उस टर्म एंड कंडीशन को आप देख लेंगे। यहाँ पे सारा चीज टर्म एंड कंडीशन दिया गया, उन सारा चीज को एक बार जरूर देख लें क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ब्लॉक कैसे करेंगे, ब्लॉक करने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे एक बटन मिल रहा है ब्लॉक का, सिंपल सा आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म आपके सामने खुल करके आ जाएगा इस टाइप का। यहाँ पे देखिए, गुम चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग लॉस्ट सॉल्टेन मोबाइल, यानी कि आप फॉर्म डालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले के मोबाइल की जानकारी आपको देना होगा। मोबाइल में अगर आपका फ़ोन है उसमें दो सिम वाला होगा तो पहला नंबर जो होगा वो नंबर डालेंगे, दूसरा नंबर अगर आपने उसमें लगा के रखा तो वो आप है तो आप इसमें मेंशन करेंगे, नहीं तो आप उसको खाली छोड़ देंगे। आपका जो EMI नंबर होता है यानी कि IMEI नंबर होता है वो नंबर आप मेंशन करेंगे। अगर आपका फ़ोन खो गया है तो आपके पास IMI नंबर नहीं होगा, तो आपके पास जो आपने बाय करा था उसके पास जो आपका डब्बा मिला था फोन उसमें आपका मेंशन होगा, डब्बा में कहीं कहीं स्टिकर में चिपका हुआ होगा, वहां से आप डाल करके यहाँ पे खोज करके दे दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या, डिवाइस ब्रांड यानी कि आपका जो फोन है वो कौन से ब्रांड का है। ठीक है, यहाँ पे आप खोज लीजिएगा जो भी ब्रांड का, जिस भी कंपनी का है वो मेंशन आप यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, मेंशन करने के बाद आपका डिवाइस का जो मॉडल नंबर होता है वो मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे देखिए, अपलोड मोबाइल परचेजिंग इनवॉइस यानी कि जब आप अपने मोबाइल को बाय करा तो उस टाइम आपने कोई ना कोई आपको इनवॉइस मिला होगा, यानी कि आपको जो बिल मिला होगा उस बिल का कॉपी को आपको यहाँ पे चूज फाइल करके अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आना एक लॉस्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि कब खोया हुआ उसके बारे में थोड़ा डिटेल देना है। सबसे पहले कि आप लास्ट टाइम उसको कहाँ पे देखे यानी कि कहाँ पे आपको खोया था। ठीक है, उसके बाद वो डेट क्या है, कि डेट के लिए यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो भी डेट है मेंशन करेंगे, डेट के साथ साथ टाइम भी मेंशन आपको करना है। ठीक है, उसके बाद कौन से स्टेट में आपका लास्ट टाइम वो था मोबाइल वो स्टेट चूज कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे चूज कर लेंगे, और उसके बाद आपका नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन पड़ता है वो पुलिस स्टेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, पुलिस कंप्लेन, आपका जब भी फोन खो जाता है तो आपको एक पुलिस कंप्लेन करना अनिवार्य हो जाता है, तो पुलिस कंप्लेन जो करेंगे उसका कंप्लेन का नंबर और पुलिस कंप्लेन जो करेंगे यानी कि FIR का जो रिसीविंग आपको दिया जाएगा उस रिसीविंग को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। मोबाइल ओनरशिप इन्फॉर्मेशन यानी कि मोबाइल किसके नाम पे वो सारा डिटेल आपको देना होगा। मोबाइल जिसके नाम पे बाय हुआ था उसका नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना है, उसका कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है यानी कि उसका एक आइडेंटिटी अपलोड करना है जो भी होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अदर कोई भी आइडेंटिफिकेशन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है वो आइडेंटिफिकेशन आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे डालने के यहाँ पे अपलोड कर देंगे वो फाइल जो भी होगा। ठीक है, अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड आप बैक और फ्रंट दोनों अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आप जो भी, जैसे कि आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ
पे आधार कार्ड का नंबर आपको मेंशन कर देना। यहाँ पे होगा कि ईमेल आईडी आपको डालना होगा, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप उसको खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो कैप्चर आपको दिख रहा है सिंपल सा कैप्चर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना। डालने के अभी प्रेजेंट टाइम में आपके पास जो भी फोन है, ठीक है, जो भी प्रेजेंट टाइम में फोन है, वो फोन नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करके उसके गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना। जैसे ही गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल करके वेरीफाई कर देंगे, और वेरीफाई करने के यहाँ पे ओके करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है और आपको एक रेफरेंस आईडी मिल जाएगा, तो उस रेफरेंस आईडी को अच्छे से संभाल के रख लेना है आपको, ठीक है। तो आपका जो होता है, जो मोबाइल होता है, वो मोबाइल आपका कंप्लेंट रजिस्टर हो जाता है। कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद लगभग आपको 1 से 2 घंटे यानी कि मैक्सिमम 3 से 4 घंटे के अंदर वो आपका जो फोन होता है, वो जो भी डाटा आपने दिया होगा वो डाटा सारा मैच करेगा, तो वो डाटा आपका फोन जो होता है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। जब आपका फोन मिल जाएगा, मिल जाने के बाद आपको फिर से इसी साइट पे आ जाना है। तो आपको फोन को अनब्लॉक कैसे करना है, सिंपल सा यहाँ पे अनब्लॉक का एक बटन मिल रहा है, सिंपल सा आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका अनब्लॉक का एक फॉर्म आपके सामने खुल करके आ जाएगा। देखिए मेरे सामने खुल करके आ गया है, रिक्वेस्ट फॉर अनब्लॉक रिकवर्ड फाउंड मोबाइल, यानी कि आपका खोया हुआ मोबाइल जो होता है वो मिल गया, उसको आप अनब्लॉक करना है। जो आपने रजिस्टर किया था ब्लॉक करने के टाइम में आपको एक रेफरेंस आईडी मिला होगा, उस रेफरेंस आईडी को यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आप मोबाइल नंबर दिए थे जब आप ब्लॉक किए थे, जो नंबर से आप ओटीपी डाल करके रजिस्टर किए थे, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। अनब्लॉकिंग रीजन यानी कि किस रीजन से आप उसको अनब्लॉक कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए रिकवर माय पुलिस यानी कि अगर आपको पुलिस के द्वारा आपको मिला है, या फाउंड माय सेल यानी कि आपको खुद से आपको मोबाइल मिल गया, या मिस्टेक से आप उसको ब्लॉक कर दिए हैं, ठीक है, या अदर रीजन या किसी भी रीजन, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चर आपको दिया हुआ है, कैप्चर यहाँ पे मेंशन करेंगे, फिर से वो मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे जो भी ओटीपी रहता है वो नंबर पे ओटीपी भेज दिया जाएगा, ओटीपी फिल करने का सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट कर देंगे, सबमिट करने आपने लिए आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद लगभग 3 से 4 घंटे के अंदर में मोबाइल आपका अनब्लॉक हो जाएगा, और जैसे नॉर्मली पहले यूज करते थे वैसे आप यूज कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए सिंपल से यहां चेक रिक्वेस्ट स्टेटस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने स्टेप आएगा, आपका जो भी रेफरेंस आईडी था रेफरेंस आईडी डाल करके सबमिट करेंगे तो आपका जो भी स्टेटस होगा वो स्टेटस आपको यहां पे शो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तत्काल के लिए जय हिंद जय भारत। Thank you.